फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम बैक टू तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री और जनरेशन रिलेटेड कंप्यूटर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्लस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने हंड्रेड प्लस एम सी क्यूज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स पे किए थे तो जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं देन कम टू दिस लेक्चर उसकी पी भी टेलीग्राम पर शेयर कर दी गई थी इसकी भी आफ्टर दिस लेक्चर टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी जिन बच्चों को ज़रूरत होगी वो लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर वन है वट वॉज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बैबेज अतः चार्ल्स पैवेज द्वारा पहला कंप्यूटर जो है वो कौन सा डिजाइन किया गया ऑप्शन हैं कोलोसस फिर एंटी मार्क वन एनालिटिकल इंजन या फिर एनी तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज एनालिटिकल इंजन ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन सेम क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है ऑप्शंस हैं ब्लेसी बास्कर डॉक्टर हर्मन होलेट चार्ल्स पैबेज या फिर जॉर्ज भूल तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी दैट इज चार्ल्स पैबेज एनालिटिकल इंजन को किसने डिजाइन किया है चार्ल्स पैबेज ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी जेनरेशन आर कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाई कहता है कि कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में क्लासीफाई किया गया है ऑप्शन सी हमारे पास थ्री फोर फाइव या फिर सिक्स तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज फाइव फाइफ जनरेशन में कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है क्लियर देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था कौन सी जनरेशन में तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो लार्ज साइज के कंप्यूटर्स थे उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे उनका चीफ कंपोनेंट क्या था ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स या फिर ऑफ दीज तो फ्रेंड्स so राइट आंसर right है वैक्यूट ऑप्शन नंबर वी इज़ राइट आंसर ऑफ़ दिस क्वेश्चन, दें कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज़ द टाइम पीरियड ऑफ़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर्स का क्या टाइम पीरियड था? ऑप्शंस हैं 1946 टू 59, 1959 टू 65, 1965 टू 71, 1971 ट� 1946 से लेकर 1959 तक का जो टाइम पीरियड था वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड था ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की जो स्पीड थी वो क्या थी मिली सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स नैनो सेकेंड्स या फिर पीको सेकेंड्स तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन ए मिली सेकेंड्स ठीक है

देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन है इट्सैग स्टैंड फॉर अब हमसे पूछा जा रहा है इट्सैग की क्या फुल फॉर्म है सिंपली ऑप्शन से हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिले सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक डिले सिस्टम ऑटोमेटिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिले सेकंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कैलकुलेटर ठीक है तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन हमारा जो है इसका राइट right आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज कैलकुलेटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ यूज एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कहता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ऑप्शन हैं मशीन लैंग्वेज फॉर ट्रेन कोबोल या फिर बेसिक तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए मशीन लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच जनरेशन बैच प्रोसेसिंग वॉज मेनली यूज कौन सी जनरेशन में जो है बैच प्रोसेसिंग जो है मेनली यूज हुई है ऑप्शन से फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फिर फोर्थ तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ए दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में क्या है बैच प्रोसेसिंग वॉज मेनली यूज ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स अब हमसे पूछा जा रहा है कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का क्या टाइम पीरियड था ऑप्शन हमारे पास सेम है तो राइट right आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी नाइन टू नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव तक का जो टाइम पीरियड था वो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड था ठीक है दैन कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन सेकेंड जनरेशन कम्प्यूटर्स आर मेड ऑफ सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो किससे बने थे ऑप्शन हैं वैक्यूम ट्यूब्स ट्रांजिस्टर्स वी एल एस आई या फिर एल एस आई तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी देट इज ट्रांजिस्टर्स क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोरटीन है द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनकी स्पीड क्या थी सिंपली हमें ये बताना है ऑप्शन है हमारे पास मिली सेकेंड्स माइक्रोसेकेंड्स नैनो सेकेंड्स या फिर पिको सेकेंड्स तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका यहाँ पे बी डेट इज माइक्रो सेकेंड्स ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज़ द टाइम पीरियड ऑफ़ थर्ड जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर्स अब हमसे थर्ड जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर का टाइम पीरियड पूछा जा रहा है ऑप्शन अगेन सेम हैं तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट right आंसर है यहाँ पर दैट इज़ नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव से लेकर नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव का तक का जो टाइम पीरियड था वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का था ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंटीग्रेटिड सर्कर्स डि कम इंटू एग्जिस्टेंस कौन सी जनरेशन में कम्प्यूटर्स के क्या था इंटीग्रेटेड से इंटीग्रेटिड सर्कर्ट्स डेट मीन्स आईसीस जो हैं कम इंटू एग्जिस्टेंस तो फ्रेंड्स ऑप्शन हैं फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन तो बताओ कौन सी जनरेशन में जो है आई सीस जो हैं वो आई थी तो राइट right आंसर है इसका ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्कट आर आईसीस किसने इन्वेंट किया था आईसीस को ऑप्शन हैं जैक किल्वी हर्मन हॉलिथ सैमन कॉर्सेकोब विल गेट्स तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका जैक किल्वी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जैक किल्वी ने आईसीस को इन्वेंट किया था देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एन आई सी इज एक आई सी की इंटीग्रेटेड सर्किट्स की जो एडवांटेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज हमें बतानी है इट्स लो पावर कंजप्शन इट्स इजी रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ सर्किट फेल्यूर इट्स एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी इट्स रिड्यूस्ड कॉस्ट तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी इट्स एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉस अब बतानी है हमें थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की स्पीड क्या है मिली सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स नैनो सेकेंड्स या फिर पीको सेकेंड्स तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन सी देट इज़ नैनो सेकेंड्स ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच जेनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन सी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम्स विल्ड हुए हैं फर्स्ट जेनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन तो फ्रेंड्स राइट आंसर है थर्ड जनरेशन ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड एंड चूज द नेम ऑफ जनरेशन इन विच माइक्रोप्रोसेसर्स प्रोसेसर्स सिंपली हमें बताना है कौन सी जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेस हुए थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फिर फोर्थ राइट आंसर है डी फोर्थ जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेस इंट्रोड्यूज हुए हैं ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है वट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का क्या टाइम पीरियड था ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1971 से लेकर 1980 तक का जो टाइम पीरियड था वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड था देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स आर यूज इन फोर्थ जनरेशन कम्प्यूटर्स हमसे आप पूछा गया है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स यूज हुए हैं ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेटेड सर्कर्ट्स वी एल एस आई माइक्रो प्रोसेसर्स यू एल एस आई माइक्रो प्रोसेसर्स तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी वी एल एस आई माइक्रो प्रोसेसर्स तो वी एल एस आई स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है वी एल एस आई स्टैंड बताओ क्या है इसकी फुल फॉर्म ऑप्शन है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेट तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर

दैन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ फोर्थ जेनरेशन कंप्यूटर वॉर्च सिंपली हमें फोर्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की यहाँ पर स्पीड बतानी है ऑप्शन ये मिली सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स नैनो सेकेंड्स या फिर पीको सेकेंड्स तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारे पास डी देट इज पीको सेकेंड्स जो है फोर्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की स्पीड दैन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाई इंडियन साइंटिस्ट ठीक है कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है क्रे वन परम ब्लू जीनी जफिर आई बी एम तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी दैट इज परम परम सुपर कंप्यूटर है जिसे इंडियन साइंटिस्ट ने क्या किया है डेवलप किया है तो नाम क्या है उसका अभी हमने आपको बताया था ऊपर सैमोर क्रे ठीक है सैमोर क्रे ने जो सुपर कंप्यूटर डेवलप किया है वो है परम तो सैमोर क्रे कौन है इंडियन साइंटिस्ट है क्लियर देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जो अभी भी अंडर डेवलपमेंट हैं ऑप्शन हैं फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन सिक्स जनरेशन या फिर सेवन्थ जनरेशन तो राइट आंसर है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं अभी भी अंडर डेवलपमेंट हैं ठीक है दैन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर वेस्ड ऑन अब पूछ रहे हैं फिफ्थ जेनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं वो किस पे वेस्ट हैं वी वी एल सी एस आई वी वी एल एस आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस या फिर सिस्टम नॉलेज तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वेस्ट हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज इन फिफ्थ जनरेशन कंपोनेंट कंप्यूटर्स फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज हुए हैं ऑप्शन हैं ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेटेड सर्कर्ट्स वी एल एस आई माइक्रो प्रोसेसर्स या फिर तो यू एल एस आई माइक्रो प्रोसेसर्स तो फ्रेंड्स यू एल एस आई माइक्रो प्रोसेसर्स जो है वो यूज हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक एज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन फिफ्थ जनरेशन ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है then come to next question. ulsi stands for ultra large storage integration, ultra large storage integrator, ultra large scale integration, ultra large scale integrator. so option c is the right answer of this question. ultra large scale integration, clear. then come to next question. what difference does the fifth generation computers have from other generation computers? कहता है कि फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो किस तरीके वो कैसे डिफरेंट हैं अदर जनरेशन से ठीक है बाकी की जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट हैं तो ऑप्शन है साइंटिफिक कोड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर ऑल ऑफ दिस फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन बी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं अदर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से डिफरेंट है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर्स हैड एक्सपेंसिव ऑपरेशन कॉस्ट ठीक है कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं एक्सपेंसिव ऑपरेशन कॉस्ट के हैं तो ऑप्शन सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फिर फोर्थ ऑबियसली फर्स्ट जनरेशन ठीक है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन then come to next question when was the world's first laptop computer introduced in the market and by whom ek hi question mein humse do question puche gaye hain ki pehla laptop computer jo duniya ka pehla laptop computer jo hai kab introduce kiya gaya aur kisne kiya ठीक है world's first laptop computer जो है market में कब introduce किया गया और किसने किया ऑप्शंस हैं इप्सन 1981 ह्यूलेट पैकॉर्ड नाइनटीन एटी लैपलिंग ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर नाइनटीन एटी टू टेंडी मॉडल टू हंड्रेड नाइनटीन एटी फाइव तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए एप्सन ने किया था नाइनटीन एटी वन में किया था ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन एच एल एल स्टैंड फॉर एच एल एल स्टैंड फॉर हाई लेवल लेसन हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेमेंस लेसन हाई लेमेंस लैंग्वेज तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन बी क्या है मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज स्टिल यूजफुल फॉर एडिंग नंबर्स ठीक है इनमें से कौन सा है जो कि यूज अभी तक यूजफुल है एडिंग नंबर्स के लिए ऑप्शन है इनियक इट्जैक यूनिबैक या फिर एबैक्स तो राइट right आंसर है एबैक्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंप्यूटर्स आर यूज इन बैंकिंग रेलवेज एंड एयरलाइंस कहता है बैंकिंग रेलवेज एंड एयरलाइंस के लिए कौन से कंप्यूटर्स हैं जो यूज़ होती हैं ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स तो राइट right आंसर है ऑप्शन डी मेन फेयर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज इन बैंकिंग रेलवेज एंड एयरलाइंस ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ मोनिटर्स इनमें से कौन से हैं जो दो तरह के मोनिटर्स हैं सी आर टी एंड एल सी डी एल सी डी एंड डी वी डी सी आर टी एंड डी वी डी डी वी डी एंड बी सी डी तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन ए सी आर टी एंड एल सी डी जो हैं ये दो तरह के मोनीटर्स हैं ठीक है थीके? अब सी आर टी क्या है कैथोड रे ट्यूब सी आर टी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड रे ट्यूब इज अ फॉर्म ऑफ क्या है ये अब माउस है मोनीटर है कीबोर्ड है या मदरबोर्ड है अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया क्या है वो मोनीटर है ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज़ द वैक्यूम ट्यूब इज इन्वेंटेड क्या पूछा गया है वैक्यूम ट्यूब्स कब इन्वेंट हुई थी ऑप्शन से नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन हंड्रेड टेन नाइनटीन हंड्रेड फोर या फिर नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सी दैट इज नाइनटीन हंड्रेड फोर क्लियर देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इनिय कंप्यूटर बिलोंग्स टू इनियक कंप्यूटर जो है कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन तो इनएक जो है वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फोर इनियड्स फॉर अब पूछो इनियक की क्या फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नुमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक नुमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक नुमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक नुमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक नुमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ठीक है दैन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवेक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या फिर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ए दैट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ट्रेन स्टैंड फार फॉर ट्रेन किसको स्टैंड करता है और फॉर ट्रेंड है क्या ये हाई लेवल लैंग्वेज है तो इसका ऑप्शन है हमारे पास फॉर ट्रांसलेशन फॉक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फार्मूला ट्रांसलेशन तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका डी दैट इज इट स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन क्लियर देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया क्या क्वेश्चन है कि इंडिया में पहला कंप्यूटर जो है कहाँ पे इंस्टॉल हुआ था ठीक है ऑप्शन से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिल्ली इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी डेट इज़ इन कोलकाता ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड आप पूछ रहे हैं कि कब इंस्टॉल हुआ ईयर पूछा गया है नाइनटीन फिफ्टी फाइव नाइनटीन फिफ्टी सेवन नाइनटीन सिक्सटी सेवन या फिर नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 1955 में इंस्टॉल हुआ ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन एडवैक्स स्टैंड्स फॉर अब इसकी फुल फॉर्म बतानी है हमें एडवैक्स की इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेट तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज सी आई एस सी स्टैंड फॉर कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कंप्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कंप्लेक्स स्टैंडर्ड सेट कंप्यूटर स्टैंडर्ड सेट कैलकुलेटर ठीक है तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी दैट इज कम्पलेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वेंटेड पंच कार्ड अब बताना है कि पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया है चार्ल्स वेबेज ने जो, जोसफ मैरी हेलमन होलेथ ने सैमन तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन सी हेरमन होलेथ जो है उन्होंने पंच कार्ड्स को क्या किया है इन्वेंट किया है ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था कोलोसस फेरेंटी मार्क वन एनालिटिकल इंजन या फिर डिफरेंस इंजन तो फ्रेंड राइट आंसर है बी दैट इज फेरेंटी मार्क वन वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन अ कंप्यूटर कॉन्टें एक कंप्यूटर में क्या क्या होना चाहिए प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट एंड आउटपुट यूनिट आ मेमोरी या फिर ऑल ऑफ दिस तो फ्रेंड्स ऑल ऑफ़ दिस जो है एक कंप्यूटर में होना चाहिए ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द थ्री डिसीज़न मेकिंग एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ए एल यू ऑफ ए कंप्यूटर कहता है कंप्यूटर के ए एल यू द्वारा परफॉर्म किए गए तीन डिसीजन मेकिंग एक्शंस जो हैं उनको सिलेक्ट करो इक्वल्स टू लेस देन ग्रेटर देन ऑल ऑफ द अबव तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ़ दिस इक्वल्स टू लेस देन देन एंड ग्रेटर तीनों है कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ने यूज किया है सी डी रोम फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन फोर्थ जनरेशन या फिर फिफ्थ जनरेशन तो फ्रेंड्स इसका राइट right आंसर है डी दैट इज फिफ्थ जनरेशन ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन सी डी रोम ए अब पूछे ये क्या है सेमी कंडक्टर मेमरी है मैग्नेटिक मेमरी है मेमरी रजिस्टर है या फिर नन ऑफ दिस तो फ्रेंड्स राइट आंसर है नन ऑफ दिस इनमें से कुछ भी नहीं है ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन अ हाइब्रिड कंप्यूटर पूछा एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है डिजिटल कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर है या बोथ है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर या ऑफ फ्रेंड्स इट बोथ जिसमें दोनों आए डिजिटल और एनालॉग तरह के कंप्यूटर आए उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द द फॉलोइंग वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप इन द मॉडर्न फॉर्म मॉडर्न फॉर्म में दुनिया का पहला कंप्यूटर जो है कौन सा था एच पी इलेवन हंड्रेड आई बी एम इलेवन हंड्रेड एप्सन इलेवन हंड्रेड या फिर तोशीबा इलेवन हंडर्ड तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज तो शिबा इलेवन हंड्रेड जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर था दुनिया का पहला लैपटॉप सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम कहता है कंप्यूटर के उस प्रोग्राम को क्या कहा जाए जाता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है तो फ्रेंड्स दैट इज कंपाइलर जो कि कंप्लीटली एट वंस क्या करता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज को ठीक है देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वर्ड चिप्स यूज इन साइड द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम कहता है पहली बार कंप्यूटर में जो चिप्स हैं कौन सी ईयर में यूज हुई थी 1964 में 1975 में 1977 में या फिर नाइनटीन वन में तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन बी 1975 में पहली बार जो है कंप्यूटर के अंदर चिप्स जो है वो यूज़ हुई थी देन कम टू नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन आफ टूडेज लेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड फ्रॉम बिच जनरेशन कौन सी जनरेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप हुए थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे फोर्थ जनरेशन फ्रेंड्स राइट आंसर है सी दैट इज थर्ड जनरेशन से ठीक है दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर जिसमें आज हमने सिक्सटी वन एम सी क्यूज जो हैं हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर डिस्कस किए हैं वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू हैव नाइस डे